ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि लक्षणों से कौन सा ग्रह आपका खराब चल रहा है, किसी मनुष्य के जीवन में कौन सा ग्रह अशुभ प्रभाव डाल रहा है, इसका औसत निर्धारण उसके जीवन में घटने वाली घटनाओं के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। विभिन्न ग्रहों के अपने अपने ग्रहों के अशुभ स्थिति पर जो लक्षण है हम वही आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शनि से। अगर आपका शनि खराब चल रहा है तो आपको व्यवसाय में हानि होगा, अर्थ हानि होगा, रोजगार में हानि होगा, अधिकार हानि होगा, अपयश, मान सम्मान में हानि होगी, निंदक प्रवृत्ति बन जाएगी आपकी, राजदंड मिलेगा, घोर अपमान मिलेगा, निराशा, दुर्घटना, अचानक धनहानि, प्राण हानि, ऊंचाई से गिरकर शरीर या प्राण हानि हो सकती है, आकस्मिक मृत्यु हो सकती है, रोग, रिश्वत लेते पकड़े जा सकते हैं, रिश्वत में हंगामा और अपयश मिल सकता है, अधार्मिक प्रवृत्ति हो सकती है आपकी, मकान की हानि हो सकती है, बुरे कार्यों में प्रवृत्ति होगी, कृषि भूमि की हानि होगी। तो जब शनि आपका खराब चल रहा होगा तो ये सब घटनाएं हो सकती है। उसके बाद है सूर्य। सूर्य अगर आपका खराब चल रहा है तो आपके तेज में अभाव होगा, आलस्य आएगा, अकड़न आएगी, जड़ता आएगी, कांतिहीनता होगा, जो छवि है वो मलिन हो जाएगी, मुख में हमेशा थूक आता रहेगा, लाल गाय या वस्तुओं का खो जाना या नष्ट हो जाना, बुरी भैंस या इसी रंग के समान क्षति होगी, हृदय क्षेत्र में दुर्बलता का अनुभव होगा। मतलब ओवरऑल ये है कि आप आलस्य से भरे हुए रहेंगे, दिमाग आपका काम नहीं करेगा अगर आपका सूर्य खराब चल रहा है। फिर मंगल, दृष्टि दुर्बलता होगी, आंख कमजोर हो जाएगा, शरीर के जोड़ों में पीड़ा होगी, अकड़न होगी, पति पक्ष की हानि होगी, स्वास्थ्य, धन और प्राण दोनों तीनों की हानि हो सकती है, शुक्राणुओं में दुर्बलता आ जाएगी, नपुंसकता पैदा हो जाएगा, स्थिरता आ जाएगी, शारीरिक रूप से सबल होने पर भी आप संतान उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, रक्त की कमी होगी, कमर और रीढ़ की हड्डी में दर्द का अकड़न रहेगा, त्वचा का रंग पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, पीलिया हो सकता है। उसके बाद है मंगल के बाद आपका चंद्र। चंद्र अगर आपका खराब चल रहा है तो बड़े ही दुखी रहेंगे, भावुकता, निराशा, अपनी व्यथा बताकर रोने वाला इंसान बन जाओगे आप, अनुभूति क्षमता का ह्रास होगा, पालतू पशुओं की मृत्यु होगी, घर में जल का अभाव होगा, तरलता का अभाव होगा शरीर में, मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति बन जाएगी, मानसिक असंतुलन या हताशा के कारण गुमसुम रहोगे आप, घर के क्षेत्र में कुआं या नल सूख जाएगा, अपने प्रभाव क्षेत्र में तालाब का सूखना अगर हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपका चंद्र खराब चल रहा है। उसके बाद है बुध। अस्थि दुर्बलता, दंत क्षय, घ्राण शक्ति का क्षय होना, पर पुरुष लुलुपता या संबंध, अहंकार से हानि होगी, पड़ोसी से अनबन रहेगा और कर्ज पड़ेगा, हकलाहट आएगी, वाणी दोष हो जाएगा, हिचकी आना, अपनी बातें कहने में गड़बड़ा जाना, नाक से खून बहना, रति शक्ति का क्षय होना स्त्री पुरुष दोनों के लिए, नपुंसकता आ सकती है मर्दों में, स्नायुओं का कमजोर हो सकता है, औरतें जो हैं उनका अगर बुध खराब चल रहा है तो बांझपन की तरफ अग्रसर होगी, कंधे में दर्द रहेगा, गर्दन में अकड़न रहेगी, वैवाहिक संबंध में क्षुब्धता आ जाएगी, खिटपिट पिटपिट चालू हो जाएगा, व्यापार की भागीदारी में हानि होगी, रोजगार में स्थिरता आएगी, शत्रु लोग आप पे हावी होते चले जाएंगे, पर स्त्री लुलुपता या संबंध हो जाएंगे, किसी और की पत्नी की तरफ आकर्षित होंगे। फिर है बृहस्पति। चोटी का बाल जो है आपका उड़ना शुरू हो जाएगा, धन या सोने का खो जाना होगा, चोरी हो जाएगी, हानि हो जाएगी,
शिक्षा में रुकावट आ सकती है, अपयश आ सकता है, व्यर्थ का कलंक आपके ऊपर लगेगा, सांस का दोष होगा, अर्थ हानि होगी, परतंत्रता होगी, खिन्नता होगी, प्रेम में असफलता होगा, प्रियतमा की हानि होगी, प्रियतम की हानि होगी, मृत्यु भी हो सकता है, अनबन भी हो सकता है। अगर आप जुआ खेलते हो, जुए में नुकसान होगा, संतान की हानि हो सकती है, आपकी आयु कम होगी, बांझपन आ सकता है, नपुंसकता आ सकता है, आत्मिक शक्ति का अभाव होगा, बुरे सपने बहुत सारे आएंगे। उसके बाद है शुक्र। शुक्र अगर आपका खराब चल रहा है तो स्वप्न दोष होगा, लिंग दोष होगा, पर स्त्री लुलुपता बढ़ेगी, शुक्राणुहीनता होगा और कर्ज बढ़ेगा, नाजायज संतान पैदा हो सकते हैं आपके, त्वचा रोग हो सकते हैं, अंगूठे की हानि हो सकती है, पड़ोसी आपका नुकसान करेंगे, परिश्रम करने पर भी आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा, भूमि की हानि होगी, कर्ज की अधिकता होगी। उसके बाद है राहु। संतानहीनता, विद्याहानि, बुद्धिहानि, उज्जड़ता, अरुचि, पूर्ण तरह से नपुंसक हो जाओगे आप, बांझपन स्थिति पैदा हो जाएगी औरतों के लिए, अन्याय करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्रूरता, रोजगार हानि, भूमि हानि, आकस्मिक अर्थ हानि, राजदंड, शत्रु पीड़ा, बदनामी, कारावास का दंड होगा, चोरी, आपके घर से चीजें चोरी हो जाएगी, चोर डाकू से हानि होगी, दुस्वप्न आएंगे, अनिद्रा होगी। अगर आपका केतु खराब चल रहा है तो आप बीमार पड़ोगे, कर्ज बढ़ेगा, लड़ाई झगड़े में हानि होगी, भाई से बैठे बिठाए दुश्मनी मोल ले लोगे आप, घोर दुख होगा, नौकरी की कमी होगी, अस्त्र से शारीरिक क्षति हो सकती है, हो सकता आपको सांप काट ले, आग से हानि हो सकती है, शत्रु से हानि हो सकती है, अन्याय की प्रवृत्ति बढ़ेगी, पाप प्रवृत्ति बढ़ेगी, मांस खाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, राजदंड और या कैद हो सकता है। फिर भी इतने जो मैंने आपको लक्षण बनाए हैं एक नॉर्मल लक्षण है, पर बिना कुंडली देखे एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते, क्योंकि बाकी ग्रहों की स्थिति देखनी पड़ती है। फिर भी ये जो हमने आपको बताया, अगर आप कुंडली नहीं देख रहे हैं तो मोटा मोटी आप जान सकते हो कि किस ग्रह का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है और इसका क्या उपचार करना चाहिए। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।